तो आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे आपने अपने ब्रदर के प्रिंटर को वाईफाई के थ्रू किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करके प्रिंट आउट निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम प्रिंटर को ऑन कर देते हैं। ये अभी ऑन हो जाएगा, तब तक आप अपने मोबाइल डिवाइस पे ऐप स्टोर को खोल के यहाँ पे सर्च करें ब्रदर। ये आ गई, ये वाली एप्लीकेशन है दोस्तों, ब्रदर आई प्रिंट एंड स्कैन, इसको डाउनलोड कर लें। हमारा प्रिंटर ऑन हो चुका है, इधर एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, इसे ओपन कर लें। आई प्रिंट सेंड नोटिफिकेशन, डोंट अलाउ यूजर इंफॉर्मेशन, ओके। To use this application, you need to select a device. Select now. तो ये यहाँ पर आपका वाई फाई दिखा देगा। तो मशीन कनेक्टेड टू योर नेटवर्क, मशीन नॉट कनेक्टेड टू योर नेटवर्क। अगर आपका प्रिंटर वाई फाई से ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है। मेरा क्योंकि कनेक्टेड है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ओके। तो ये दिखा दिया इसने DCP-T420, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसने एक बार ये रीडायरेक्टिंग करके उन्होंने अपनी वेबसाइट खोली। थैंक यू फॉर योर परचेज, कॉन्टैक्ट ब्रदर सपोर्ट, डाउनलोड एडिशनल सॉफ्टवेयर, रजिस्टर योर ब्रदर प्रोडक्ट। तो अब हम फिर से ये खोल लेते हैं, इसका अपडेट आया हुआ है, फर्मवेयर अपडेट हमारे ब्रदर के प्रिंटर के लिए। तो इसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट और लॉगिन पासवर्ड, पासवर्ड मुझे याद नहीं है, चलिए अपडेट बाद में कर लेंगे। बैक जाते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं फ़ोटो, अलो एक्सेस, रीसेंट में जा कर के हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप इसकी सेटिंग्स में आप जाके देख सकते हैं, प्लेन पेपर, हमारा प्लेन पेपर है A4, बोर्डलेस ऑन, बोर्डलेस ऑन को ऑफ कर देते हैं। चलो बोर्डलेस को ऑन ही कर देते हैं, पूरा वो एज ले रहा है। कलर नॉर्मल, क्वालिटी नॉर्मल, कलर में कलर, ओके। अब हम प्रिंट की कमांड दे देते हैं, कनेक्टिंग। ये देखिए प्रिंटर ने काम करना शुरू कर दिया है, वो जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक होना शुरू हो गया, तो प्रिंटिंग की आवाज़ आ रही है। यहाँ से अभी पेपर आ जाएगा। तो इतना सिंपल था दोस्तों, एकदम वायरलेस प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी वायर अटैच नहीं है, आपको वाईफाई से कमांड दे देनी है। इसके लिए आपके पास एक वाईफाई राउटर होना चाहिए, घर पे वाईफाई का कनेक्शन हो, अगर वाईफाई का कनेक्शन नहीं भी है तो भी राउटर होना चाहिए। राउटर से रेंज आती है, उससे दोनों डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, आपका प्रिंटर भी और कोई भी डिवाइस। अब क्योंकि हमने कलर की कमांड दी थी तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर हम ब्लैक एंड वाइट की डालते तो उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ रहती है, वो बहुत जल्दी आ जाता है पेपर। तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर देखिए दोस्तों आ चुका है, ये कुछ क्वालिटी आई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, एकदम क्रिस्प, एकदम शार्प एंड एक्यूरेट कलर्स।